एक बार देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास के आश्रम। व्यास जी आज बड़े उदास हैं, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा व्यास जी को, आपके दुख का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, जीवन में सब कुछ है, ज्ञान है, वैराग्य है, 17 पुराण अभी तक लिख लिए, पर मन अभी तक शांत नहीं हुआ। महाराज आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मन शांत हो। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना तो की, लेकिन उन पुराणों में कहीं भी आपने निष्काम कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं किया। और जब तक जीव कृष्ण की और कृष्ण नाम की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक हृदय शांत नहीं हो सकता। हे व्यास जी, मैं नारद भी बहुत भटका, दुनिया में बहुत ठोकरें खाई, कहीं शांति मिले शांति मिले, लेकिन व्यास जी कहीं शांति नहीं मिली। अंततः ब्रह्मा जी से मैं उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और 4 श्लोक दिए, कहा नारद तू जा और वीणा लेकर के भगवान नाम सब जगह प्रचार कर, क्योंकि सबसे बड़ा इस दुनिया में अगर कोई दान है और सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो वो भगवान का नाम प्रचार है, भगवान का संकीर्तन है, प्रभु के नाम का गुणगान है। अभी जो बोल रहे थे कथा से पूर्व, उन्होंने बताया और मुझे भी जब समिति के लोग आए तो उन्होंने भी बताया कि हर एकादशी को आप अलग अलग स्थान पर जाकर के भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। आप यकीन मानिए, वेद शास्त्र पुराण कह रहे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि गो कोटि दानम गृहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञः यथा मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न भवेत् च तुल्यम। गो कोटि, करोड़ों गाय भी दान की जाए, एक सोने का पर्वत सुमेरु दान किया जाए, सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत है जो स्वर्ग में है, एक सोने का पर्वत सुमेरु दान किया जाए, प्रयाग में जाकर के कल्प तक निवास किया जाए, और इन सब की जगह एक बार कृष्ण बोला जाए, गोविंद का नाम लिया जाए, तो ये सब दान मिलाकर के भी एक कृष्ण के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। एक कृष्ण का नाम दान करने में इतना सामर्थ्य। एक है कि आप अपने घर में जाके माला लेकर के भजन कर रहे हैं, अपना उद्धार कर रहे हैं, लेकिन आप जब संकीर्तन करते हैं, आप जब नगर कीर्तन करते हैं, आप जब प्रभात फेरी करते हैं, आप संकीर्तन को लेकर के गली गली में घूमते हैं, घरों में जा जाके संकीर्तन करते हैं, तो इसका लाभ आपको है और साथ साथ जो इस संकीर्तन को सुन रहा है, आप यहां बैठे हम कीर्तन करें, गिने चुने लोग हैं यहाँ, लेकिन केवल लोग नहीं, इस स्थान पर कितने कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव कीटाणु रहते, सबके कान में हरि नाम जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, पशु पक्षी कीट भृंग बोली तेना पारे सुन ले हरि नाम तो तारे सब तरे। पशु पक्षी जो बोल नहीं पाते, लेकिन उनके कान में भी जब भगवान नाम का ध्वनि जाती है तो उनका उद्धार तो होता ही है, लेकिन उनके उद्धार का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने उनके कान में भगवान नाम सुनाया है। सबसे बड़ा दान भगवान के नाम का दान, यही नारद जी करते हैं। आज भी दो ही भक्त ऐसे हैं जो आज भी नित्य प्रति भगवान का नाम प्रचार करते हैं। पहले नारद जी, कहीं भी कथा हो भगवान की, कीर्तन हो, नारद जी वहां जरूर जाते हैं। और दूसरे कौन है? कल जिनकी कथा आई थी, जो ठाकुर जी के सबसे बड़े सेवक हैं,
हनुमान दादा। एक हनुमान जी आज भी अयोध्या की नगरी गलियों में सुबह सुबह झांझ लेकर के प्रभात फेरी निकालते, और एक नारद जी। ये दो भक्त ऐसे हैं जो हर युग में प्रभु नाम प्रचार करते हैं। और कहा कि सबसे बड़ा दान हरि नाम का दान है, इसलिए आप जो कर रहे हैं घर घर जाके प्रभु नाम कीर्तन, एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसका आप निर्वहन कर रहे हैं, और इससे ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि से परे। नारद जी को कहा, नारद जी वीणा लीजिए और भगवान नाम प्रचार करिए, हरि नाम प्रचार करिए। तो नारद जी वही वीणा लेके नारायण नारायण जाप करते हैं, वही चार श्लोक जो उनको ब्रह्मा जी से मिले हैं वो उन्होंने श्री वेद व्यास जी को दिए, व्यास जी ने उन्हीं चार श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, और श्री व्यास जी ने अपने शिष्यों को इन श्लोकों का पाठ सिखाया। श्लोक जंगल, शिष्य जब जंगल में जाते हैं तो इन श्लोकों का पाठ करते हैं। आज श्री सुखदेव गोस्वामी वहां समाधि में बैठे थे, तभी शिष्यों ने जाकर के भागवत के दो श्लोकों का पाठ किया।